क्या तुम्हारे शॉर्ट वीडियोस पर भी कम व्यूज आ रहे हैं? नहीं। तो भी कुछ दिनों पहले मैंने अपने चैनल पर एक कम्युनिटी पोल डाला था, जिसमें मैंने पूछा था कि भाई कि आप लोगों के भी शॉर्ट वीडियोस पर जो है अब कम व्यूज आ रहे हैं। तो 85% लोगों ने बोला था कि हाँ भाई हमारे शॉर्ट वीडियोस पर भी कम व्यूज आ रहे हैं। तो आखिर में ऐसा हो किस लिए रहा है? तो यार देखो, मुझे क्या लगता है कि जब से जो है यूट्यूब का नया शॉर्ट मोनेटाइजेशन वाला पॉलिसी आया है, उसके बाद से ही ये चीज़ देखने को मिल रही है, और अक्टूबर से ही ये चीज़ देखने को मिल रही है। और मैंने खुद अब एक्सपीरियंस किया, और मैंने काफ़ी सारे चैनल्स पर भी देखा कि उनके जो है शॉर्ट वीडियोस पे पहले काफ़ी सारे व्यूज आते थे, लेकिन अब जो है अक्टूबर के बाद से जो है व्यूज जो है उनके कम आने लगे हैं। तो यार देखो, शुरुआत में क्या होता है कि यूट्यूब जो है आपकी शॉर्ट वीडियोस को सभी को दिखाता है, इसलिए जो है उस पर ज़्यादा व्यूज आते हैं। लेकिन धीरे धीरे क्या करता है यूट्यूब जो है आपकी ऑडियंस ढूंढता है, मतलब कौन सी ऑडियंस ऐसी है जो कि आपकी शॉर्ट वीडियोस को सबसे ज़्यादा देखती है और सबसे ज़्यादा वॉच टाइम देती है। तो धीरे धीरे यूट्यूब ने क्या किया कि उन ऑडियंस को पहचान लिया, और उसके बाद से जो आपकी वीडियो है केवल उन्हीं लोगों को दिखाता है, ताकि आपकी वीडियो पर ज़्यादा से ज़्यादा जो है वॉच टाइम मिल सके। तो शुरुआत में यूट्यूब जो है आपकी शॉर्ट वीडियोस को सभी को दिखाता था, इसलिए जो है उस पर ज़्यादा व्यूज आते थे। लेकिन जब से जो है यूट्यूब को आपकी ऑडियंस मिल गई है, तो आपकी शॉर्ट वीडियो को जो है वो ज़्यादातर जो है उन्हीं लोगों को दिखाता है। तो तुमको क्या करना है कि अपनी शॉर्ट वीडियोस को देखो, और उसमें देखो कि सबसे ज़्यादा व्यूज जो है तुमको किस शॉर्ट वीडियोस पर देखने को मिले हैं, और आगे जो है तुमको उन्हीं टॉपिक पर या फिर वैसी ही कुछ शॉर्ट वीडियो जो है यूट्यूब पर अपलोड करनी पड़ेगी, तभी जो है तुमको ज़्यादा से ज़्यादा उस पर व्यूज मिल सकेगा। तो आई होप कि वीडियो तुमको समझ में आई हो। बाकी आज की वीडियो से है, वीडियो अच्छी लगी तो लाइक कर देना। ऐसी वीडियोज देखने के लिए आप जो है हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।